like a floating through the air. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लांट इंटरेस्ट। ये एक गार्डनिंग का चैनल है। जब भी मेरे को फुर्सत मिलता है तो मैं इस प्लांट शॉप में विज़िट करता हूँ। और आज बहुत दिन बाद मैं अपने धनों के साथ निकला हूँ। और मैं जिस प्लांट शॉप में जाता हूँ उसमें बहुत कम दम में मेरे को प्लांट्स मिलता है, वो भी बताऊँगा आपको। मेरे घर से मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो 1.8 किलोमीटर दूर है, किस्मतपुर से बापूजी नगर। और रास्ते में मैं थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए फ्रूटी पी रहा था, तो लोगों का रिएक्शन देख के कभी कभी अच्छा भी लगता है। पता नहीं स्केटबोर्डिंग के ऊपर लोगों का क्या नज़रिया है, लेकिन मैं ज़्यादा मैक्सिमम देखा हूँ, जब भी मैं थोड़ा हाई होता है या हील होता है जहाँ पे मेरे को चल के जाना पड़ता है, तो लोग कॉमेंट करता है कि क्या हुआ, इस रास्ते पर नहीं जा सकते, क्या हुआ, थक गया। तो वो कभी कभी डिमोटिवेट करता है, लेकिन स्केटबोर्डिंग में अभी कभी रुक नहीं सकते, आपको चलते जाना है। ये वही प्लान शॉप का मालिक जो करने के लिए ट्राई किया था, गिनने वाला था, बच गया लेकिन। और ये सब प्लान्स यहाँ पे रखा हुआ है, तो कभी कभी वो खाने के लिए चला जाता है तो मेरे को रख के वो चला जाता है, तो मैं प्लान सेल कर देता हूँ। उसके बदले में मेरे को जो विंटर सीजनल प्लांट है वो बहुत सारा फ्री मिला था, उसका एक शॉर्ट आप चाहे तो देख सकते हैं। और बाकी जो परमानेंट प्लान सब है वो भी बहुत कम दाम। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ है, इस साल भी इतना सारा दे दिया था कि मैं अपने नेबर्स को भी डोनेट कर दिया। और हमेशा आप कोई भी कटिंग हो या प्लांट्स का ये हो, आप देने से मत कतराइए, क्योंकि प्लांट्स में जितना प्रूनिंग करेंगे उतना प्लांट्स अच्छे। और सब ने कभी ना कभी ये फेस किया है कि किसी से कटिंग मांगने गया हो, नहीं मिला हो, कभी भी ऐसा हुआ होगा। तो आप भी किसी को ऐसे मत लौटाइए उसको। बेसिकली ये गार्डनिंग चैनल है, लेकिन शॉर्ट्स में आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए स्केटबोर्डिंग का थोड़ा बहुत शॉर्ट्स या और कोई दूसरा शॉर्ट जो फनी है तो डालने के लिए कोशिश करता हूँ, आपको एंटरटेन करने के लिए। प्लांट्स का ज़्यादा वीडियो में नहीं डाला हूँ, क्योंकि मैं हर एक प्लांट्स को ऑब्जर्व करके उसको उसका लाइटिंग कंडीशन, उसका वो एनवायरमेंट सब देख के फिर मैं जाके वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मेरा आप जाके देखिए चैनल में ज़्यादा प्लांट्स का वीडियो नहीं है, क्योंकि हर एक प्लांट्स को मैं बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करता हूँ और देखता हूँ। मैं नर्सरी से डायरेक्टली प्लांट्स ला के नहीं वीडियो बनाता हूँ, उसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में रख के ट्राई करके फिर आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को मोनेटाइज करने में हेल्प कीजिए। आपको पता होगा कि मैं स्केट पार्क खोलना चाहता हूँ और उसके लिए फ़ंड चाहिए। अगर ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं स्केटबोर्डिंग में कुछ कर सकता हूँ। और शुरू में जो आपको बताया था कि मैं प्लांट्स ख़रीदा हूँ, और प्लांट्स का ऐसा दाम सुन के आपको भी बहुत आश्चर्य होगा। आप ये देखिए प्लांट्स हर एक का मैं बता रहा हूँ। सीजियम का पौधा मेरे को सिर्फ 40 रुपीज़ में पड़ा, ये स्पाइडर प्लांट मेरे को 30 रुपीज़ में पड़ा, ये एग्लोनी में आप यकीन नहीं करेंगे ये मेरे को 80 रुपीज़ में पड़ा, ये ड्रेसिना मेरे को 30 रुपीज़ में पड़ा, और ये कॉस्टस का ये भी 40 रुपीज़ मेरे को पड़ा, ये रबर प्लांट आप यकीन नहीं करेंगे ये भी मेरे को 40 रुपीज़ में पड़ा, ये क्रोटन का वैरायटी मेरे पास नहीं था तो ये 20 रुपीज़ में पड़ा मेरे को, और ये स्पाइडर प्लांट ये भी 20। तो आज के लिए वीडियो खत्म दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि इस तरह से मैं गार्डनिंग रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। और गार्डनिंग मेरा हॉबी है और स्केटबोर्डिंग मेरा पैशन, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। 1.8 किलोमीटर स्केटबोर्डिंग करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत सारा मेहनत चाहिए, एडिटिंग में भी बहुत सारा मेहनत चाहिए, तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, उससे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। अगली बार किसी और एक वीडियो के साथ आप लोग से मिलूंगा, तब तक के लिए डू गार्डनिंग, मेक यूज ऑफ एवरीथिंग, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल।